तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे एक स्कैम के बारे में। देखिए सबसे पहले इसी नंबर के थ्रू एक मैसेज आया मुझे, यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सएप में। यह जो मैसेज है यहाँ पे विनीता नाम लिखा हुआ है और इसका फ़ोन नंबर भी देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया, हाउ आर यू, आई एम स्पीकिंग टू म्यूजिकल वाशू। मैं यहाँ पे 2-3-4-5 घंटा बाद यहाँ पे यस लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नाइस मीटिंग यू, थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स, आई एम विनीता शंकर फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमार कंपनी प्रमोट बिरियास रेस्टोरेंट होटल वगैरह वगैरह लिखा है यहाँ पे। मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पे 3 स्टॉक्स कंप्लीट करके यहाँ पे आप 50-50 करके 150 यानी 150 रुपीस कमा सकते हो। तो इसका आगे का प्रोसेस क्या है मैं देखिए, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक लिंक पे जाऊँ, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे गूगल मैप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होटल है वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिव्यूज़ पे जाने आए, रिव्यूज़ पे जाने के बाद यहाँ पे स्टार लगाना है आपको, 5 स्टार रेटिंग देना है। उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट कर देना है, कमेंट करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं उनको भेज दिया। तो फिर आगे क्या कहा, गुड जॉब यार। वहाँ पे एक टेलीग्राम लिंक दिया और एक सेंड दिस सैलरी कोड दिया। तो टेलीग्राम लिंक पे चला जाता है, यहाँ पे देखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जैसे टेलीग्राम पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो इस टेलीग्राम पे वो स्क्रीनशॉट भेजना है। भेजने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं देखा देता हूँ, सबसे पहले मैं कोड सेंड किया। कोड सेंड करने के बाद यहाँ पे देखिए, ओके प्लीज़ प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे ओके फिल कर दिया, रजिस्टर सैलरी नंबर यहाँ पे जो 150 रुपीज़ है वो लाने के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे UPI ID भेज दिया था मेरा। UPI ID भेजने के बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे आया, लिखा पढ़ सकते हो आप स्क्रीन पे। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट दिख लीजिए, यहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट पे यहाँ पे 150 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। चेक मर्चेंट सेंट 150 वेजेस, प्लीज़ चेक टैक्स 1, यहाँ पे देखिए 50 रुपीज़ करके यहाँ पे एक टैक्स कंप्लीट करने के बाद आता है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लस टैक्स 250 रुपीज़ यहाँ पे देखिए उन्होंने गाइड किया। फिर से 100 रुपीज़ हो गया, टैक्स 3 कंप्लीट किया, 150 रुपीज़ हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए फिर से मुझे सेंड कर दिया, यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए बोला है। तो फिर से देखा मैं और एक 150 रुपीज़ मेरा बैंक में आ चुका है। तो ठीक है, इस तरह होने के बाद उन्होंने दूसरा एक अकाउंट मुझे दिया, यहाँ पे देखिए राधिका, टैक्स स्पेशलिस्ट राधिका। तो अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट उनको भेज रहा हूँ और यहाँ पे 150 रुपीज़ करके आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्कैम कहाँ पर है वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ करके मैं यहाँ पे 700-800 रुपये यहाँ पे मेरा बैंक में आ चुका है। उसके बाद मेरे मुझे यहाँ पे एक ग्रुप में ऐड करने के लिए कहा, यहाँ पे टैक्स ग्रुप 007 यहाँ पे देख सकते हो। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, क्या करने के लिए बोलेगा। तो इस ग्रुप में यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स का लिंक है इस ग्रुप में डाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पिन कमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आज सुबह यहाँ पे देखा देता हूँ आप लोगों को टैक्स नंबर, यहाँ पे देखिए एक मिनट, टैक्स नंबर 1 कंप्लीट किया गूगल मैप के ऊपर रिव्यू और रेटिंग देने के टैक्स है। टैक्स नंबर 2 सेम गूगल मैप पे जाने के बाद रेटिंग और यहाँ पे कमेंट करना है। टैक्स नंबर 3 सेम यहाँ पे गूगल मैप के ऊपर जाना है और उसके बाद रेटिंग देना है और कमेंट कर देना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट एक एक करके स्क्रीनशॉट आता है, लेने के बाद उनको सेंड कर दिया मैंने। ये जो राधिका, मैंने फिर से देखा देता हूँ राधिका, उनको मैंने सेंड कर दिया। फिर से मुझे यहाँ पे 150 रुपीज़ मिल गया। देखिए 4 नंबर के बाद मैं देखा देता हूँ, टैक्स नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 4 नंबर पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे टैक्स नंबर 4 यहाँ पे देखिए स्कैम होता है। तो स्कैम आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए टैक्स नंबर 4 जो है वेलफेयर मर्चेंट टास्क, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी रेटिंग वगैरह नहीं देना है। यहाँ पे आपको सबसे नंबर 1 देख सकते हो, 2000 आपको डिपॉजिट करना है।
आपको 2800 रुपीज़ यहाँ पे बैक मिल जाएगा। 2000 देने के बाद आपको 2800 मिलेगा, 5000 देने के बाद 7000 मिलेगा, 9000 देने के बाद 12600 मिलेगा। तो इस तरह आप जितना दोगे उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉफिट देने के बाद आपको बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस टास्क में आपको लालच में नहीं आना है। यहाँ पे मैंने कुछ भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया, मैंने यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च किया, यहाँ पे जो गूगल मैप रेटिंग के इनकम के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फंसाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक दो बार आपको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन बड़ा अमाउंट पे जाने के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा और आप पैसा नहीं दोगे, बाद में डिपॉजिट नहीं करोगे, तो यहाँ पे कंप्लेन करके आपका जो बैंक होल्ड पे रख दिया जाएगा, और यहाँ पे जो भी पैसा आपने रिसीव किया उनकी तरफ से उसको माइनस में कर दिया जाएगा। यानी आपका बैंक में अगर अवेलेबल बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली काट के उनको वापस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको रुक लेना है, मुझे अभी पता चला इसलिए यहाँ तक आके रुक गया मैं, और रेटिंग वगैरह नहीं दे रहा हूँ। 150 150 150 करके जो भी यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है, अलग अलग UPI ID से रिसीव हुआ है, तो आप या मैं बाद में जाके फॉलो किया। देखिए उन्होंने फास्ट मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे नॉक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया, काम किया, बदले में 150 मिला। लेकिन वो अलग अलग UPI कहाँ से मुझे सेंड किया वो पता नहीं। जो भी है मेरे पास, मैंने नहीं कहा मुझे दो, और मैंने भी यहाँ पे काम किया, बदले में पैसा मिला। उन्होंने कहाँ से दिया, क्यों दिया, वो अलग बात है। अलग अलग UPI ID से आता है तो वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने वीडियो बनाया प्रूफ के लिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है बाद में, इसलिए मैंने वीडियो बना के रख लिया। मेरा UPI ID जहाँ मर्जी वहाँ दूँ या ना दूँ वो मेरा मर्जी है, लेकिन मैं किसी को डिपॉजिट नहीं किया। मेरा UPI ID पे बैलेंस आ रहा है, आने दो, और मैं काम किया उसके बदले में बैलेंस आ रहा है। लेकिन मुझे यूट्यूब कटने के बाद पता चलता है कि उनका जो बैंक अकाउंट या फिर UPI ID इस्तेमाल नहीं करते, अलग अलग दूसरा कस्टमर के थ्रू मुझे पैसा भेजते हैं। दूसरा कस्टमर अगर कंप्लेन करे, जो भी अमाउंट मुझे मिला है इसके ऊपर कंप्लेन करे, तो मेरा अकाउंट पे भी होल्ड लग सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा अकाउंट के थ्रू मुझे आ रहा है, यहाँ पे गलती से भी आ सकता है, लेकिन मुझे मैं तो यहाँ पे ज़बरदस्ती पैसा नहीं आने दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ। तो इसके लिए होल्ड करेगा बाद में वो, मैं देख लूँगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं डिपॉज़िट नहीं करूँगा। आप लोग भी डिपॉज़िट मत करना। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ भी या फिर पॉइंट मिस आउट हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।